हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्रणाम कैसे हो भाई बढ़िया हो कैसे चल रही है आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है चलनी भी चाहिए जबरदस्त चलनी चाहिए जोरदार चलनी चाहिए खतरनाक चलनी चाहिए दुआदार चलनी चाहिए और जोरदार चलनी चाहिए क्योंकि आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया अब मुश्किल है या आसान है ठान लिया तो ठान लिया ठान लिया है कि की बार सरकारी नौकरी पार करनी है ठान लिया है परीक्षा जो भी होगी जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं तो पशु गणना के जबरदस्त सेशन में आप सबका स्वागत है और पशु परिचर ही नहीं आपके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसके अंदर ये जो सेशन है यहां से क्वेश्चन पढ़ने वाला है तो एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी जन फटाफट और जोड़ दो सभी को एक एक पशु को गिना के आपको यहां पर देने वाले हैं तो करते हैं आज का सेशन जय माता रानी का नाम लेके नवरात्रि के दिन आज जबरदस्त वाली ऐतिहासिक क्लास आपको बनानी है तो में और ऐसे, और क्या रहेगी डेटा, कहां से, है? भाई ये डेटा जो है, ये कहां से आया उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है ठीक है तो उसके लिए यहां पर मैं आपको बाद में बताऊंगा उससे पहले मैं आपको बता ये मैंने दो तीन थोड़ी चीजें आएगी तो ये देखो ये जो उठाया गया है ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट उठाया गया है, ये जो राजस्थान का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट क्योंकि देखो इतना एक्यूरेट तो यार मैं थोड़ी याद करूंगा कि एक ऐसे है मैंने क्या किया इस पर साहब ये जो पशुपालन विभाग की वेबसाइट है उस पर क्या है तो वहां पर एनिमल करके पशु गणना करके ये पूरा आर्टिकल है मैंने पूरी फाइल डाउनलोड करी और उसको शॉर्ट समराइज किया और दो चीजें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जो तो आप अक्सर कहीं कुछ कहीं कुछ पढ़ते हैं और सिद्ध करने वाला हूं, हाँ। तो पहले आप देख सकते हैं 2019, वेबसाइट। ये की जो वेबसाइट है वहां से लिया गया है और पेन कॉपी लेके जरूर बैठना और दिमाग को एकदम खुला रखना क्योंकि ये चीजें डायरेक्ट आपके माइंड में आने वाली है डायरेक्ट आपको याद होने वाली है तो दो मैं अभी बीसी पशु गणना और 2012 के अंदर 19 पशु गणना इन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा तो सर हमें ऐसे कैसे याद होगा कि कैटल कैटल मैंने आपको बताया था गायों के परिवार को बोलते हैं कैटल जो है एक करोड़ 33 लाख 24462 थे 2012 के अंदर और अभी वर्तमान में एक करोड़ 39 लाख 37630 है टोटल जो है इसमें से निकालने पर छह लाख तेरह हजार एक सौ अड़सठ पशु जो है बड़े हैं और इसमें चार पॉइंट छह की बढ़ोतरी हुई है यहां पर कई जगह आपको चार पॉइंट चार दिखेगा चार पॉइंट चार एक दिखता है पब्लिकेशन वाले से मैं आपको अभी मौका दे रहा हूं कैसे देखो कैसे निकालते हैं कि साहब बड़ी है घटी है पहले कितनी थी एक करोड़ तैतीस लाख चौबीस हजार चार सौ बासठ निकालना मैंने तो इसको कैलकुलेट से निकाला पूरा एकदम चेक किया है पहले इतनी थी ठीक है इसमें इतनी बड़ी है थोड़ी सी मैथ आपको आती है तो पहले एक करोड़ तैतीस लाख थी अभी छह लाख तेरह हजार एक सौ अड़सठ बड़ी है, तो इसको रखना, उपर, इसको रखना नीचे इन करना सौ परफेक्ट चार पॉइंट छ आएगा परफेक्ट यह है मेरा पहला प्रूफ जो मेरी पढ़ाने में ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करता है ठीक है विभाग की साइट कितना बड़ा है वो ऊपर रखो कहां से बड़ा है पहले वाली से नीचे रखो ठीक है और गुणा करो इसमें नहीं करना है इसमें नहीं करना है तो ये मैं आपको दिखाने वाला लेकिन ये आपको सिर्फ मैं ऑथेंटिसिटी के लिए बता रहा हूं कि साहब आपको ये डेटा ऑथेंटिक कैसे लगेगा ठीक है तो ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको यह बता रहा हूं बाकी मेरा उद्देश्य नहीं है कि ऐसे टफ डेटा बताऊं तो सर आप इसे इजी नहीं करोगे क्या मैं कह रहा हूं ना पशु मेलो से भी इजी करने वाला हूं इसको ठीक है बफेलो जो भैंस है एक करोड़ उन्तीस लाख छिहत्तर हजार पंचानव थी अभी एक करोड़ छत्तीस लाख तिरान हजार तीन सौ सो सोलह हो गई है और इसमें सात लाख सत सा, सत्रह हजार दो सौ इक्कीस पांच पॉइंट पांच त्रेपन बड़ी है ऐसे में प्रत्येक का एनिमल सेंसस लाया एकदम परफेक्ट सीप गॉट हॉर्स म्यूल सर म्यूल क्या होता है खच्चर होता है बाकी तो हॉर्स घोड़ा बकरी ये तो जानते होंगे ना ठीक है डंकी गधे हैं कैमल है पिक का तक पकड़ के लाया यहाँ पे टोटल हेरा और ये भी डेटा देखना कई जगह आपको एक पॉइंट सात सर दिखेगा दिखेगा भाई हाँ तो देखो ना मेरा ना आपका ना किसी बुक का कहाँ का जिन्होंने पशु गिने हैं पशु किसने गिने हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और कंपाउंडर ने क्योंकि ये जो पशु गणना हुई थी ये पशु गणना पूरी तरह से डिजिटल थी इसके लिए पशुपालन विभाग को सरकार से टैबलेट वितरित किए गए थे उन टैबलेट में है ना उसी दिन पशुओं को घिन कर ऑनलाइन चढ़ाना होता था एकदम एक्यूरेट हुई थी इसीलिए पशु गणना एक से डेढ़ साल लेट हो गई थी क्योंकि टैबलेट के लिए ट्रेनिंग देना सॉफ्टवेयर को समझना ये सब डॉक्टर्स और जो सब ऑर्डिनेट है उनके लिए टफ था तो इसमें टाइम लग गया फुल ऑथेंटिक है अब सर ये वाला आप याद कैसे करो ये बताओ आप तो तो पहले मैं आपको प्रॉपर तरीके से एकदम ये बताता हूं सेशन यहाँ शुरू हो रहा है ये मैंने इसलिए बताया था दो चीजें आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगी और मैंने प्रूफ यह दिया है एनिमल हजबेंड्री की वेबसाइट से ठीक है अब आए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहां पे सारा मैं प्रिंटेड लाया हूं याद कराने के लिए सबसे पहले राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी उन्नीस सो ये सर कैसे याद करेंगे ठीक है इधर देखो अठारह में क्रांति सबको पता है बहुत फेमस है नाम लेते ही क्रांति आ जाती है अट्ठारह में क्रांति हुई थी किसकी आजादी की उसके 100 साल बाद उन्नीस में पशुपालन की क्रांति हर बिंदु को देखो याद करते रहना कमेंट बिल्कुल नहीं देखूंगा सिर्फ याद कराऊंगा एकदम आदर्श पढ़ाई देने का मैं प्रयास करूंगा कुछ लाइनें होगी आपके मोटिवेशन के लिए और आपको अच्छे से कॉन्शियस रखने के लिए होगी और कोई उद्देश्य नहीं रहेगा ठीक है सुने अठारह में भारत में क्रांति सौ साल बाद यह क्रांति हुई पशुपालन में अठारह सौ पहला बिंदु याद ऐसे ठोक बजा बोला हाँ सर ये तो याद है ये तो याद है ये तो याद ऐसे तो और एकदम चेहरे पे मुस्कान और कॉन्फिडेंस के साथ बैठना क्योंकि डेटा है यदि थोड़े से भी आप इधर उधर डेटा नहीं आएंगे एकदम आप मोबाइल में ऑफलाइन क्लास में बैठते वैसे बैठना है तो पहला बिंदु याद हो गया अट्ठारह में अपनी क्रांति सौ साल बाद पशुपालन राजस्व मंडल क्या करता है कि पहले अभी तो पशुपाल विभाग भी इन्वॉल्व हो गया पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट राजस्व मंडल ही इसकी गणना करता था इसलिए उसका भी मैंने डेटा डाल दिया एक अप्रैल उन्नीस सौ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर राजस्थान में पहली पशु गणना कब हुई थी दिसंबर उन्नीस से उन्नीस सर इसे कैसे याद करोगे सुनना अभी नवीनतम गणना कौन सी है बताओ नवीनतम पूछे तो सोचना पड़ता है ट्वेंटी ट्वेंटी आईपीएल कौन सा सबसे नवीनतम है आधुनिक है सर ट्वेंटी ट्वेंटी आधुनिक है, है ना भाई कौन सा आधुनिक है ट्वेंटी ट्वेंटी या फिफ्टी या टेस्ट सीरीज सर ट्वेंटी तो आधुनिक कौन सा बीस सुनना बीसी पशु गणना जो है आधुनिक है बीसी पशु गणना जो है वो एकदम आधुनिक है ठीक है साहब बीसी पशु गणना आधुनिक है इससे पहले क्या हुई थी सर बीस से पहले उन्नीस आएगा बीस से पहले क्या आएगा उन्नीस आएगा बिल्कुल उन्नीस बीस अब इसको क्या करो सौ इसके आगे उन्नीस सौ उन्नीस उन्नीस सौ बीस लगा दो अभी दो हजार सीरीज चल रही है सौ साल पहले चले जाओ इधर देखो देखो प्लीज यार थोड़ा है ना दिल से पढ़ना एकदम मैं बहुत मूड में हूं ये मान लो मैं आपको है ना आज नवरात्रि पे गिफ्ट दे रहा हूं माता रानी का और मेरे दिल में अभी मंदिर जाते जाते एक, एक ही ख्याल आया था कि जो मेरी क्लास देखेगा चाहे पशु परिचय हो कोई भी हो मैं उस बच्चे को अपना छोटा भाई मानकर पूरा याद कराने का प्रयास करूंगा तो आप छोटे भाई बहन बन के बैठो इधर उधर कमेंट मत करो ठीक है दिल से पढ़ो करंटेड है ये सेशन आपको लाइफ टाइम याद रहेगा ऐसा मैं प्रयास करूंगा जान लगा दूंगा लेकिन जब तक याद नहीं कराऊंगा छोड़ूंगा नहीं आओ इधर नवीनतम कौन सा क्रिकेट मैच होता है ट्वेंटी ट्वेंटी बीस से पहले क्या था उन्नीस 19, उन्नीस 19 और बीस सौ साल पहले चले जाओ अभी चल रहा है दो हजार पहले क्या था उन्नीस उन्नीस सौ उन्नीस उन्नीस सौ बीस बीस और उन्नीस अभी की बात है सौ साल पहले उन्नीस सौ उन्नीस उन्नीस सौ बीस यानी सौ साल पहले यह स्टार्ट हुआ था डेटा याद ठीक है अब इतना ही टाइम दूंगा तो ये पहला राजस्थान में पहले पशु गणना जोधपुर जयपुर किशनगढ़ टोंक कोटा और बूंदी रियासत में की गई थी एक्चुअली थोड़ी ये रियासत पैसों वाली थी और पैसे वाली थी तभी पशु गिने थे भाई पहले हमारे तो यहाँ ऐसा था लोगों के पास खाने के लाले थे इतनी ज्यादा थी गरीबी उन्नीस सौ उन्नीस उन्नीस सौ बीस में देश तो है ना आजाद नहीं था तो उस समय जो रियासत तगड़े पैसे वाले थे उसमें जोधपुर जयपुर कोटा टॉक ये थी आजादी के बाद पहली पशुगणना उन्नीस सौ इक्यानवे की सुनो 1947 या अपन पूरी बात करते हैं ठीक है थीके? पूरी बात करें एकदम अच्छे से देखो 1919 1919 दिसंबर से और 1920 इसमें आपके हुई फर्स्ट गणना पहली ठीक है फिर ये आपके होती रही बीस के बाद हर पांच साल में होती है तो आपके 1925 में हुई ठीक है 1930 में हुई हर पांच साल में पशु गणना होती है 1935 में हुई 1940 में हुई 1945 में हुई 45 के बाद यहां देश आजाद हुआ बीच में सैतालीस में तो यहां पर ये पचास पचास कौन यहां पहली पशु गणना आजादी के बाद यहां पर बीच में यहां पे क्या हो गया देश आजाद हो गया देश सैतालीस में आजाद हुआ ये तो पता है ना हाँ तो अब सुनो यदि आपसे ऐसे पूछे कि साहब पहली गणना कौन सी हुई थी तो 1919 1920 पहली पशु गणना कौन सी होती 1919-1920 ठीक है 1920 बीस सौ साल पहले फिर आप हर पांच साल में होती है यह प्रत्येक पांच साल में होती है पशु गणना प्रत्येक साल में होती है तो आप बढ़ा देना है ना तो यहां पहली थी एक दो तीन चार पांच छह और सातवीं तो यह सातवीं यहां पहली होगी एक दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी और सातवीं तो यहां पे जो हुई वो सातवी पशुगणना थी वैसे तो वैसे सातवी पशुगणना थी लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली थी अब यह सवाल आया ना भैया तो ध्यान रख लेना स्वतंत्र भारत की प्रथम पूछे है ना तो 1947 में देश आजाद हुआ था अड़तालीस गुण पचास तक अपने संविधान और इस पे काम हुआ फिर पचास बोला यार एक ही होती ना उन्नीस में पशु गिने गाय माता है एक ही में गिनेंगे तो सैतालीस में आजाद दो तीन साल और काम हुए उन्नीस में पशु गिने गए तो स्वतंत्र भारत की पूछे तो उन्नीस सौ इक्यावन टिक करना पचास इक्यावन ठीक है और यदि पहली पूछे तो अभी चल रहा है 20 20 19 सौ साल पहले 19 1920 हर पांच साल में होती है तो वन बाय वन देखे सबसे पहला पॉइंट कौन सा है प्रथम पशु पढ़ना कब हुई थी 19 1920 19, में हर पांच साल में होती है 1947 में देश आजाद हुआ और तीन साल बाद 51 में जो पशु गण हुई वो कौन सी थी सातवीं थी लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली थी ऐसे पूछे वैसे कौन सी थी सातवीं लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली थी ठीक है बीच में देखो ऐसा है लकी वर्मा या प्लीज मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और आदेश भी दे रहा हूं कोई फर्जी कमेंट नहीं करे क्योंकि मेरे तो ध्यान नहीं भटकेगा मैं देखूंगा नहीं लेकिन आपकी वजह से यदि कोई क्लास देख रहा है और उसका ध्यान भटके और वो भी कुछ कमेंट करने में बिजी हो जाए तो प्लीज आज के खातिर है ना आप सभी पढ़ने का माहौल बढ़ाओ और एक आदर्श क्लास देने का प्रयास करो मतलब मैं ये चाहता हूं एक आइडियल क्लास ऐसी क्लास जिसका कोई कॉस्ट नहीं लगा और पूरी याद होगी तो ऐसा प्रयास किया जा सकता है ना ठीक है तो प्लीज मेरा आग्रह रहेगा कोई भी किसी टाइप की बातचीत वाला माहौल नहीं रखे मस्त पढ़ो आप तो शानदार पढ़ो एकदम ठीक है हेलो तो 1919 1920 पहली हुई हर पांच साल में होती है सैतालीस में देश आजाद हुआ 1950 सौ के अंदर है ना स्वतंत्र भारत की पहली हुई और स्वतंत्र भारत की जो पहली पशुगणना थी वो कौन सी थी सातवीं पशुगणना ठीक है सातवें दिन संडे को आराम से पशु गिने स्वतंत्र होने के बाद ये तो हो गया काम कौन सा डेट होगा ये फोटो खेल लेना स्क्रीन शॉट क्योंकि यह चीजें नहीं मिलेगी किताब में सब मिलेगा ये नहीं मिलेगा हा ठीक है भाई हम्म चलिए अब यहां पे इस समय ये याद नहीं करना है दो पॉइंट छियालीस थी ये वैसे सातवी पशुगणना थी और स्वतंत्र भारत की पहली थी ये स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की प्रथम थी और वैसे सातवीं थी ठीक है पशुगणना राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है इसकी अवधि हर पांच साल में होती लेकिन अभी इसके साथ में जो है नवीनतम पशुगणना देखो कौन कौन सुनाए यहां से डेटो का सीन आएगा जो नवीनतम पशु गणना अभी तक है वो कैसे हुई तो 2012 में बारह में उन्नीस पशुगणना हुई ये भी मैं याद करा दूंगा डेटा आपको 2012 में उन्नीस हुई फिर 12 से उन्नीस सात साल कैसे लग गए पांच साल में होती है इसके अंदर डिजिटल होने की वजह से ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर टैबलेट वितरण ये सब चलाता ये जो पशु गणना थी नवीनतम इसमें टैबलेट से मोबाइल होते हैं ना बड़े उनसे पशु गणना हुई थी उस वजह से यह टाइम लगा था वर्ष 2019 में बीसी पशु गणना शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर 18 से ठीक है डेटा आए थे सोलह अक्टूबर 19 को जिसमें डिपार्टमेंट मत्स्य पालन मस्य वाला पालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने बीसी पशु गणना की रिपोर्ट जारी करी अब सर ये कैसे याद होगा इतना डेटा नहीं यह करा दो पक्का करा दो ठीक है अभी आपको देखो एक एक कराता हूं आओ इधर कौन सी पशु गणना है बेटा बीसवीं कौन सी है बीसवी सुनना सुनना बीस से पहले क्या आता है उन्नीस उन्नीस से पहले क्या आता है अठारह अठारह से पहले क्या आता है सत्रह ठीक है अब सुनना ऊपर लिखे हुए रख रहा हूं ट्रिक वर्तमान में कौन सा मैच सबसे आधुनिक है ट्वेंटी ट्वेंटी कौन सा है ट्वेंटी ट्वेंटी है ना ट्वेंटी ट्वेंटी बीस तो बीस के पीछे वी लगा दो बीसवी पशुगणना ठीक है हाँ अब यहां पे आओ, 20 से पहले क्या था 19 तो 19 में इसके डेटा आए थे 16 अक्टूबर 2019 को डेटा आया था ठीक है 19 से पहले क्या था 18 18 में ये 10 अक्टूबर को प्रारंभ हुई थी और 18 से पहले 17 17 में ये प्रस्तावित थी कि साहब 17 में करनी थी लेकिन ये 17 में नहीं होके 18 में हुई और 19 में ये कंप्लीट हुई थी अब ये वाला डेटा जो है कैसे याद करें सुनो ठीक है सुनो सुनो अब ये मैं आपको एक बढ़िया शानदार लिंक बता रहा हूं ट्रिक्स बता रहा हूं ठीक है सभी जने आ जाओ इधर आप तो मुझे यह बताओ जी कि कौन सी पशुगणना आधुनिक है 2020 मैच जो है वो बीसवीं कौन सी है नवीनतम है इसमें किसी को कोई भी आपत्ति या डिस्टर्बेंस नहीं सर कैसे याद करोगे बताओ फटाफट कैसे याद करोगे ट्वेंटी ट्वेंटी मैच जो है आधुनिक है ठीक है ओके बीस से पहले क्या आता है उन्नीस उन्नीस से पहले क्या आता है अठारह 18. 18 से पहले क्या आता है सत्रह क्या आप ये उल्टे चले जाओगे हां सर ये तो चले जाएंगे उन्नीस में ये यहां पर क्या आया था डेटा आया था उन्नीस में यहां पर क्या था? था. आया था डेटा आया था डेटा आया एकदम परफेक्ट आंकड़ा आ गया था रिपोर्ट जारी हो गई थी और इसमें पूछे कौन सी में तो ये सोलह अक्टूबर के आसपास आ गया था 2018 है ना ये 2019 18 18 में ये स्टार्ट हुई थी ठीक है और स्टार्ट जो हुई थी ठीक है 2000 में 18 में स्टार्ट हुई थी ये हुई थी एक अक्टूबर को तो एक अक्टूबर 2018 और ये सत्रह में क्या थी प्रस्तावित थी सत्रह में क्या थी प्रस्तावित थी ढंग से अटेंड करना तो आपको कभी ये पढ़ना नहीं पड़ेगा ठीक है वापस देखें अभी नवीनतम लेटेस्ट कौन सा मैच चलता है 2020 कौन चलता है 2020 ठीक सर ये तो याद हो गया सौ मैच चलता है 20 से पहले क्या आता है 19 19 में आंकड़े आए 19 से पहले क्या आता है 18 18 में प्रारंभ हुई थी 18 से पहले क्या आता है 17 17 में प्रस्तावित थी ये ट्रिक हो ईयर की अब इस सत्रह के पांच साल पीछे चले जाओ इसके माइनस फाइव चले जाओ तो सत्रह से पांच घटो तो बारह तो बारह के अंदर आपकी आ जाएगी कौन सी पशु गणना ठीक है बारह में आ जाएगी उन्नीस और ये छोड़ दो ये एक अक्टूबर सोलह अक्टूबर ना तो पूछेगा ना याद रखना है ठीक है ये दो हजार बारह में कौन सी है उन्नीसवी गणना ये आपके है ट्रिक्स की डेट की जो है आ, ट्रिक ऑफ ईयर ट्रिक ऑफ ईयर है जो याद करने का आपको फंडा यहां बताती है के ये कर लो ठीक है वापस देखें कौन सी नवीनतम है बीसवीं बीस से पहले क्या आता है उन्नीस उन्नीस में क्या हुआ डेट आया उन्नीस से पहले क्या अठारह अठारह में क्या हुई स्टार्ट अठारह से पहले क्या आता है सत्रह सत्रह में क्या थी प्रस्तावित सत्रह में क्या थी प्रस्तावित लेकिन नहीं हो पाई उसका क्या रीजन है देखो रीजन नहीं पूछा जाएगा सत्रह से माइनस पांच पांच वर्ष पहले दो हजार बारह और ये सारे के सारे दो हजार सीरीज के हैं ठीक है हाँ बारह में उन्नीस पशुगणना हुई थी तो आपको ये पूछा जा सकता है पशु गणना का आंकड़ा कब आया और पशु गणना कब हुई थी बारह में ठीक है इसका फोटो खेच लो और समझ लो अब मुझे बताओ कैसे हुआ हाँ, हाँ कल बैच चालू होगा बिल्कुल ठीक है बीसी पशुगणना नवीनतम है धीरे धीरे दिर सुनो अभी लेटेस्ट कौन सा मैच चलता है ट्वेंटी ट्वेंटी 20 बीसी पशुगणना कौन सी है नवीनतम बीस से पहले क्या आता है उन्नीस उन्नीस में क्या है डेटा आया आंकड़ा आया 19 से पहले क्या होता है 18 18 में क्या हुई स्टार्ट हुई 18 में क्या हुई स्टार्ट हुई 18 से पहले क्या था 17 17 में क्या थी प्रस्तावित थी लेकिन नहीं हो पाई उसका कारण पूछे तो डिजिटल थी टैबलेट से हुई स्टाफ की कमी थी बहुत कुछ था उस वजह से 17 से 5 साल पीछे ये 5 साल है 17 से 5 साल पीछे 12 तो ये जो है 20वीं है ये है 20वीं तो 12 में कौन सी हुई? 19 सी. क्या आपको ईयर का याद हो गया कि साफ कौन सी पशु गणना क्योंकि कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है कि नवीनतम पशु गणना कौन सी ईयर में हुई अब बच्चा सोचता है यार ईयर अरे भाई बीस भी है तो बीस से पहले उन्नीस है ना ओके चलिए यह आपके ट्रिक्स ऑफ आप ईयर हो योग यह रही इसकी थ्योरी कोई केस खाली ट्रिक है ये रही थ्योरी ठीक है और ये रहा आपका इसका ट्रिक्स अब वर्ष 2019 में बीसवी पशु गणना है ना सभी राज्यों में हुई थी ऐसा नहीं राजस्थान में पूरे इंडिया के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया गया शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2018 से खत्म हुआ था 16 अक्टूबर 2019 को और 19 के बाद बीस पशु गणना ठीक है पूर्ण रूप से डिजिटल से थी इसको टैबलेट बड़े मोबाइल से किया गया था आज भी वो टैबलेट पशुपालन विभाग में हैं इसके लिए दो स्टेट एडमिन बनाए थे जैसे होता है ना अपने ग्रुप एडमिन वैसे उसमें एक था रेवेन्यू डिपार्टमेंट राजस्व मंडल अजमेर और एक था पशुपालन विभाग जयपुर जहां डायरेक्टर बैठता है जो मुख्य होता है जयपुर का पशुपालन विभाग और अजमेर का रेवेन्यू ये दो एडमिन होता है लेकिन ध्यान रखना कभी पूछे गणना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है कलेक्टर होता है वही निर्देश देता है, होता है तो यहां पर दो डिपार्टमेंट थे पशुपालन विभाग जयपुर और राजस्व विभाग अजमेर लेकिन फिर भी इनका सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो कौन होता है कलेक्टर होता है आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 यानी एक अक्टूबर से 16 एक साल और 15 दिन लगे क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल थी घर घर पशु गिने थे और उनको ऑनलाइन डेटा छड़ाए थे ऐसा नहीं है कि पहले लिख के बेचते थे फिर वो थे सब ये पूरी तरह से एकदम डिजिटल थी टैबलेट से की गई थी मैं खुद इसमें था मतलब इसमें मैंने भी सेवाएं दी है और इसमें उपस्थिति दी है फिर अब ये आंकड़े अब एक बार देश वाला छोड़ दो क्योंकि देश वाला आपके नहीं अभी राजस्थान का हाँ राजस्थान का देख लो वर्ष दो

पॉइंट छाप दिए हम्म, अब इसको बताने से पहले है ना गाय एक मिनट देख लेते हैं ठीक है अब आओ इधर अब अपना गेम चालू होता है यहां पे, ठीक है अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं यहां पे, और इससे भी पहले मैं आपको यहां पे बताता हूं ट्रिक से अब सुनो अब आएगा मजा असली आनंद तो अब आएगा पहले मैं आपको याद करा दू जैसे कल पशु मिले याद कर रहे थे उसके बाद आप डेटा देख लेना लेकिन प्लीज अपने माइंड को बहुत शार्प रखना और डेडिकेशन रखना ठीक है अब सुनो आपको पहले मैं क्या करता हूं ना बीसवी पशु गणना वो याद करा देता हूं बीसवी पशु गणना के डेटा ठीक है तो पहले बीसवा कर लें क्योंकि उन्नीस का नहीं पूछेगा बीसवीं पशु गणना का डेटा तो सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि साहब अभी राजस्थान में कुल पशु कितना है कुल पशु कितना है ठीक है अब देखो कुल पशु कैसे याद करेंगे सुनो जैसे क्या हुआ कोई व्यक्ति जिम जाता है, है ना बॉडी बनाता है तो उसको पूछते हैं कि साहब जिम जा रहे हो तो अब तक कितना सीना बना ले चेस्ट होता है ना जैसे ताकत बॉडी के लिए कितना सीना बना लिए तो एक आम बात है अब तक इंच का सीना मनीष देखो आप पढ़ने के साथ बैठे हो तो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा और आप ऐसे है ना ये याद नहीं होता ये रोना धोना नहीं चलेगा ठीक है देखो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता बस सरते आप उसे असंभव नहीं बनाओ मेरी बात से सुने मैं अपनी पढ़ाई के टेबल के आगे जब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था उस समय टेबल के आगे एक वर्ड लिखा था मैंने ठीक है और उसका पालन आज भी होता है असंभव कुछ भी नहीं और यदि मन से इसको करे तो रियल में कुछ असंभव नहीं है और ऐसे कोई कहे संभव कुछ नहीं ऐसे फर्जी बातें करे तो प्लीज मत करो क्योंकि आपका चित्त उन्हीं बातों से बनता है आपका मन उन्हीं बातों से बनता आपका कॉन्फिडेंस उन्हीं बातों से बनता है जिसे आप अपने व्यवहार में लाते हैं यदि आप व्यवहार में चंचलता लाएंगे तो आपका चित्त चंचल होगा और व्यवहार में कॉन्फिडेंस होगा और आपकी कटिबद्धता रहेगी आपको याद होगा ठीक है तो प्लीज अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बनाओ कि आपको कोई भी परेशान नहीं कर सके सुनो ईयर की ट्रिक बता दी मैंने अब सुनो के साहब अब तक कितने इंच का सीना बना लिए हो के साहब अब तक जिम जा जा के 56 इंच का सीना बना लिए सुनो यहां से कुल पशु है 56.8 भाई रटने से तो होगा नहीं ठीक है और कंसेप्ट इसमें है नहीं ये मिलियन में है सुनना अब तक छप्पन इंच का सीना जो है बना लिया है और कैसे अब तक छप्पन इंच का सीना है छप्पन आठ आपको पता है तो एक बहुत पहले मुंबई एनकाउंटर पे एक मूवी आई थी नाना पाटेकर की आप सर्च करना है ना मुंबई में एनकाउंटर हुए थे तो उसमें नाना पाटेकर की थी अब तक छप्पन लोगों को मारा उसने मतलब ऐसी मूवी थी अब तक छप्पन बहुत अच्छी मूवी थी लेकिन पुरानी है तो आपको याद नहीं होगी तो अब तक छप्पन या कह सकते हो अब तक छप्पन इंच का सीना जो है बना लिए हैं तो छप्पन पॉइंट आठ मिलियन ये कुल पशु थे ठीक है अब यहां पे दूसरा आता है सर इसमें से गाय कितनी थी ठीक है फिर है भैंसे कितनी है फिर भेड़े कितनी है ठीक है और बकरी कितनी है ठीक है चलो बकरी नेक्स्ट पे करेंगे ये चार यहां कर देते हैं आओ इधर करें करें याद करें। अब सुनो इसके लिए एक 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 छोटा सा वर्ड सुनाता हूं है ना? हाँ। सुने, एक घर है ना सुने घर उसमें बंटवारा हो रहा है जैसे गांव में बंटवारे ज्यादा होते हैं तो साहब एक घर है उसमें बट तो हर चीज का बंटवारा होता है है ना पशुपालन भी है वो भी बंटवारे में आएगा कि साहब चार गाय हैं तो दो गाय तेरी दो मेरी दस खेत है पांच तेरे पांच मेरे ऐसे होता है ना हाँ तो क्या हुआ कि एक भाई जो है शहर चला जा रहा है या दूसरे गांव में जा रहा है ठीक है रहने तो बड़ा भाई बोला कि देख भाई तू दूसरे शहर में जा रहा है तो उस शहर में मैं गाय माता को नहीं भेजूंगा क्योंकि गाय हमारी माता है और इसको मैं इस स्थान नहीं छुड़ाऊंगा जहां इसने जिंदगी काटी है मैं इसको नहीं दूंगा तू तेरे साथ में भैंस ले जा भैंस अच्छा दूध देती है महंगी भी है गाय को नहीं दूंगा सुना ये किसने कहा जो उस गांव में था और फिर बोला आप भैरू बाबा को ले क्या भेड़ को बोला नहीं नो भैरू बाबा साथ में नहीं चलेंगे ऑफलाइन की क्लास स्टेटिक क्लास है ठीक है क्योंकि आपका ध्यान बटकेगा और मेरा भी ध्यान बटकेगा अब क्या सुनो तो बड़े भाई ने कहा दूसरे भाई को जो जा रहा है कि तेरे साथ में भैंसे ले जा वैसे ले जा तेरे को नहीं गाय गाय माता नहीं दूंगा और साथ में नो भैरू बाबा तो ये वर्ड आपको देखना कैसे याद आओ इधर कंटिन्यूस बने रहना माइंड एकदम मोबाइल के अंदर है क्या बोला उसने भैंस के लिए, लिए देखो तेरा पॉइंट सात मिलियन तेरे साथ में भैंसे ले जा ये देखो तेरा में लिखे तेरे साथ में भैंसे ले, ले जा काली कलूठी भैंसे तेरे को नो गाय तेरा पॉइंट नौ ये सब मिलियन में है गाय तेरे को नो गाय तेरे साथ में भैंसे ले जा काली को जी भैंस है ना तेरे को नो गाय माता ने दूंगा साथ में नो भैरू बाबा 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 ऐसे भाई याद नहीं होता यार ऐसे नहीं होता है कि आप ऐसे किताब को स्कैन कर लो याद हो गया या गुरुजी ने आपको लिखा दे याद हो गया इतनी दुनिया पढ़ रही है याद होता ही नहीं है तो फिर कैसे करें उसके लिए ट्रिक्स टेक्निक या लिंक्स बनाएं उसके लिए दुख दे थोड़ा सा याद करने की गर्ज बनाए कि मैं याद करके रहूंगा क्योंकि नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता ठीक है बस ये दिल में है आपकी एक एकाग्रता बढ़ जाएगी गर्ज बढ़ जाएगी आपको कोई डिस्टर्ब करने आएगा तो आप उसे भगा दोगे नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे ठीक है वापस देखें तो क्या बोला तेरे साथ में पैसे ले जा काली कलूटी तेरे को नौ गाय गौ माता नहीं दूंगा तो सुनो अब तक 56 इंच का सीना बना लिए हैं जिम कर कर के अखाड़े में जा जा तेरे को नौ गाय माता तेरे को नौ गाय माता तेरे साथ में भैंसे ले जा तेरे साथ में भैंसे ले जा साथ में नो भैरू बाबा साथ में नो भैरू बाबा यदि कोई यहीं पे रिवाइज कर लेना मोबाइल के साथ गारंटेड याद हो जाएगा ये मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं ये मैंने कोई को को सौ से दो सौ बार पढ़ा दिया है कई बैचों में इस वजह से मेरी इसमें कमांड है और मैं चाहता हूं मेरा छोटा भाई बहन जो मेरे को देख रहा है उसकी कमांड मैंने यही मेरे भावे और कोई भाव नहीं है ठीक है इसका फोटो खेच लो और देख लो फटाफट और क्लास को शेयर कर लो ऐसी क्लासे सब तक पहुंचनी चाहिए ओके भाई जोरदार है याद हो गया ना हाँ अब आओ इधर अभी सर ये तो आपने क्या तीन चार एक याद करा दिए ऐसे थोड़ी होता है ये भी आजकल ऐसे सेंटेंस आते हैं तो सारे याद आओ इधर ठीक है अब आपको बकरी याद करानी है नंबर पांच पे आएगी बकरी अरे अभी तो मैं आपको है ना सारे याद कराऊंगा फिर बोलूंगा अब बोल बेटा और डेटा बताऊंगा एकदम बकरी ब से बकरी ब से बीस बीस पॉइंट चौरासी ठीक है लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता तो ऐसा थोड़ा सा कर लो ब से बकरी ब से बीस पॉइंट चौरासी मिलियन है ना ये है बकरी ब से बकरी ब से बीस अब इसको क्या लिखना है तो याद कर लो है ना ब से बकरी ब से बीस अब सर ये याद नहीं होता मुझे तो ऊंट ठीक है घोड़ा गधा है ना सर ये याद करो और स्थान याद करो तो आपको मैं मान जाऊं ठीक है मान जाओगे चलो अभी कर ऊंट में क्या सुनो ऊंट में मैंने आपको बताया मेरी क्लास देखते हो तो एक होता है एक कुबड़ वाला एक होता है दो कुबड़ कुबड़ वाला वाला आपने तो एक वाला है अपन सवारी करते हैं दो कुबड़ वाला ऊंट जो होता है जिसके दो कुबड़ है वो अच्छा लगता है तो ये क्या बोलते हैं दो वाला तेरा एक वाला मेरा दो वाला तेरा एक वाला मेरा तो दो वाला तेरा एक वाला मेरा तो ऊंट के लिए अपन क्या बोलेंगे दो वाला तेरा, दो पॉइंट तेरा मिलियन है ठीक है तो क्या बोलेंगे दो वाला तेरा दो कुबड़ वाला ओंट क्या है तेरा एक वाला मेरा मेरे तो एक कुबड़ वाला दे दे उस सवारी करूंगा दो वाला तेरा ठीक है हाँ घोड़ा और गधा याद कराने से पहले मैं आपको एक मस्त चीज बताऊंगा सुनो और इसी से आज स्थान याद कराऊंगा और पिछली बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट डबल ओ है ना फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था एग्रीकल्चर स्कूल वालों के लिए उन सब में यहां सवाल आए थे लगभग और हर बढ़ती परीक्षा में सवाल आएंगे घोड़े को गधे को किस कैटेगरी में रखते अश्व ठीक है ये याद कर लो अश्व अश्व में कितने शब्द है भैया तीन कितने शब्द है तीन ठीक है ढंग से देखना पहले इसको समझना अश्व में कितने तीन तीन है तीन के आगे कितना आता है दो तीन के बाद कितना आता है चार ये आपको समझ आएगी नहीं आए कंटिन्यू देखना अश्व अश्व यानी कि घोड़ा गधा कितने अश्व में शब्द है तीन कितने शब्द है तीन अश्व में कितने शब्द है तीन तीन से पहले क्या आता है दो तीन के बाद क्या था? चार ये तो कर लोगे सर ये क्या है ये एक मैजिक है क्या मैजिक है सर अभी देखो तो इन दोनों को मिलाओ तो ये हो गया दो और तीन तेईस हजार इन दोनों को मिलाओ तीन और चार चौतीस हजार अब बताओ आगे आगे कौन है घोड़ा है पीछे पीछे कौन है गधिया है तो ये गधा तो है पीछे और घोड़ा है आगे वापस करें अश्व में तीन और अश्व में ये लो राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है घोड़ों में ये भी बहुत पूछते हैं स्थान है घोड़ों का घोड़ों में अश्व तीन आपको बहुत कुछ है अश्व तीन है तीन के आगे दो आ रहा है तीन के पीछे चार आ रहा है तो तीन के आगे दो मतलब तेईस और तीन के पीछे चार मतलब चौतीस तेईस तो है लेकिन ये हजारों में ध्यान रखना ये हजारों में है घोड़े गधे ज्यादा नहीं बचे हजारों में है तो ये हजार घोड़े हैं इतने गधे हैं तो तेईस हजार चौतीस हजार ओके है देखो फटाफट है ना अश्व जो है अश्व जो है तीन है तीन के आगे दो आता है तीन के पीछे चार आता है दो तीन तेईस हजार गदा है तीन चार चौतीस हजार घोड़ा है राजस्थान का भारत में स्थान अश्व में तीसरा स्थान है घोड़ों का स्थान पूछे तो तीसरा स्थान है स्थान भी बहुत पूछते हैं सर ये स्थान वाला याद कराओ ना सर ये बहुत पुस्त करा दो ठीक है चलो एक बार ये तो देख ले ठीक है अब आओ इधर अब बताओ मुझे फटाफट घोड़ा कितना न गधा कितना जितना आप बोलोगे उतना ही मैं लिखूंगा घोड़ा कितना गधा कितना सर इस दोनों में तीन कॉमन था ये थोड़ा आगे था तो ये था चौतीस और ये कितना था 23 ठीक है दोनों में कॉमन का तीन-तीन उसमें पीछे वाला इसमें आगे वाला घोड़े गधे में कॉमन क्या तीन तीन इसमें पीछे वाला घोड़े में इसमें आगे वाला क्या घोड़े गधे याद हो गए है ना अरे बोलो हाँ अब यदि आप कमेंट बॉक्स में यह लिख दे सार इतनी, इतनी, भेड़ इतनी, बकरी इतनी तब आए आनंद ठीक है अब सुनते रहो मेरे को लिखने में विवश कर दूंगा ठीक है सुने इधर यदि कुल पशु पीछे अब तक कितने इंच का सीना बना लिए हो छपन छप्पन पॉइंट आठ छप्पन पॉइंट आठ ठीक है अब तक कितने इंच का सीना बना लियो छप्पन पॉइंट आठ ठीक है गाय कितनी हैं? तेरे को नो गाय तेरे को नो गाय ठीक है भैंसे कितनी हैं? तेरे साथ में भैंसे ले जा सब मिलियन है दस लाख में है ठीक है भेरू बाबा भेरू बाबा भेड़ साथ में नो साथ में नो भैरू बाबा साथ में नो ठीक है चलो उसके बाद ब से बकरी ब से बीस ब मिला लो इसमें ब

अब इसके बाद में आते हैं यहां पे सुनो ये भी हो गया ये भी हो गया हाँ अब आप देखना इसको परफेक्ट सर यह उन्नीसवी याद करने क्या उन्नीसवी कब याद होगी जब बीसवीं हो। परसेंटेज ये रहता है ठीक है हाँ तो अब मैं आपको वन बाई वन बताता हूं यहां से आओ इधर ठीक है सबसे पहले ऊंट में तो अभी अपन ये टारगेट कर रहे हैं ठीक है थीके? क्या है दो तेरा दो तेरा एक मेरा में कमी एक में आपका यह भी भ्रम खत्म कर देता सुनो एक मस्त चीज लिख लेना बढ़िया बता रहा हूं राजस्थान में राजस्थान में बीसवीं पशु गणना बीसवीं पशु गणना में केवल गाय भैंस और मुर्गियां पोल्ट्री मुर्गिया का देखो ऐसा हिसाब किताब थोड़ा कमी आता है बड़ी है बाकी सभी पशु बाकी सभी पशु की संख्या में की संख्या में कमी हुई है सब कम हुए हैं सब बकरियां बकरियां घोड़े गधे, सब सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वालों को दो ही चीजें अच्छी लगी वो क्या थी गाय भैंस और मुर्गिया देखो ऑथेंटिक यू हो नहीं होती है कभी कोई दावत आई और मुर्गियां कट गई ठीक है हाँ तो मुर्गियां ऑथेंटिक नहीं होती है तो सिर्फ गाय बड़ी भैंस बड़ी क्योंकि क्या है देखो गाय भैंस का जो दूध है तो दूध होने की वजह से ये बढ़ता है तो गाय भैंस बड़ी गाय बैंस बड़ी लेकिन मुर्गियां बड़ी बाकी सब कम हुई भेड़ कम बकरी कम गधे कम घोड़े कम सब कम हुए थे यहां पर यह है तो बताओ राजस्थान में इसको स्क्रीन शॉट ले लेना यह भी बहुत काम की चीज है ठीक है राजस्थान में बीसवीं पशु गणना है ना ये है ओके okay, है रेडी है ना हाँ अब इसके बाद में चलते हैं आगे आओ इधर अब आओ इधर विश्लेषण तो ऊट दो तेरा दो कुबड़ वाला तेरा एक वाला मेरा दो वाला तेरा एक पहले कितने थे तीन पच्चीस थे पहले ज्यादा हुआ करते थे अब कम हुए हैं ठीक है चौतीस पॉइंट गुणसित्र कमी हुई है राजस्थान प्रथम ये भी याद करा दो क्या सर ये फर्स्ट सेकंड याद करो ना सर ठीक है अब आओ इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इधर राजस्थान का भारत में स्थान जो इंडिया है उसमें स्थान कैसे याद करते हैं भारत में स्थान जो है वो कैसे याद करते हैं राजस्थान का भारत में स्थान है वो कैसे करते हैं सुनो तो फर्स्ट नंबर पे कौन कौन है बताओ फर्स्ट नंबर पे किस किस में है सेकेंड में है थर्ड किस में हैं फोर्थ किस में हैं फिफ्थ है और छठा किस्म है सुनो राजस्थान में गधा बहुत है फर्स्ट नंबर है है ना बकरी बहुत है और ऊंट बहुत है और अभी दूध में भी राजस्थान फर्स्ट नंबर है दूध नंबर पहले यूपी था अभी नाउ करंट डेटा से राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है ठीक है सर याद अभी कराता हूं बेटा पहले लिख लू मैं हाँ सेकेंड नंबर पर किस में सेकेंड में यहां पे बफेलो है जान के मैंने बफेल लिखा है ठीक है और कुल पशु में अपन सेकेंड नंबर पे है ठीक है यूपी अभी भी फर्स्ट है पशु वहां ज्यादा लेकिन दूध यहां ज्यादा है ठीक है थर्ड में यहां पर है अश्व जान के मैं अश्व लिखूंगा ताकि थोड़ी फीलिंग आए ठीक है याद हो जी हम्म फोर्थ नंबर पे है भेड़ और भेड़ सर्वाधिक तेलंगना में है फिफ्थ में कुछ नहीं है फिफ्थ में कुछ नहीं है छठे नंबर पर जो है वो है गाय और मुर्गियां है सत्रह में मुर्गियां जो है वो कहां पर है सत्रह में अब देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है ये जो आप पढ़ रहे हो ना ये ट्रिक नहीं ये क्या है दिमाग का खेल है ये जो मैं अभी कराना भी ये ये कोई ट्रिक थोड़ी होती है ये क्या है एक दिमाग का खेल है इसे लिंकिंग मेथड बोलते हैं जिसमें चीजों को कनेक्ट करना होता है जैसे एक था ना कि रेडियो की खोज किसने की थी ठीक है तो रेडियो चला नहीं चला नहीं तो मैंने कौनी से मारा ही हूं दो तीन बार चल गया तो मार कौनी रेडियो चलेगा मार कौनी? रेडियो चलेगा मार, कौनी? रेडियो चलेगा, मार कौनी हो गया नहीं क्या तो इसे क्या बोलते हैं चीजों को लिंक करना सर आप बताओ खाली इसी में लिंक है किस में मैंने अपनी आरपीएससी निकाली थी 2016 में ठीक है जब 2016 में मैंने आरपीएससी की परीक्षा निकाली थी वर्तमान में मैं डॉक्टर हूं ठीक है तो 2016 मेरे लिए कल्चर बहुत नया था मैंने सारी ट्रिके बने आज भी आप बोलो वो बता दू मैं जो मैंने ट्रिक से बताया था है ना ट्रिपल एस सावन शुक्ल छोटी तीज भादवा बड़ी तीज कजली है ना ऐसे आबा का मतलब ऐसे तमाम चीजें कनेक्शन से थोड़ी यूज़ हो जाती है ठीक है अब सुनो इसको कैसे याद करें करा दो याद आओ इधर गधा बकरी ऊंट और कुल दूध ठीक है हाँ तो ये हो जाएगा गधा बकरी और कुल दूध इसमें तो यदि आप देखो इधर तो राजस्थान वाले जो है गबरू जवान है तो ग ब, र, नहीं है लेकिन जबरदस्ती में र डाल रहा हूं क्योंकि गबरू गबरू दूध पीता है राजस्थान का गबरू जो है वो दूध पीता है राजस्थान का गबरू दूध पीता है ग से गदा ब से बकरी और हटा देना ऊंट और दूध राजस्थान का गबरू जवान तगड़ा जवान दूध पीता है और उसी से ताकत आती है मैं आपको एक बात बताऊं आप कोई भी है ना प्रोटीन डाइट ये डाइट कुछ मत लो ठीक है आप तो दूध पियो सुबह शाम पाव पाव या आधा किलो भाई साहब जिसके दूध पछता है ना उसकी एनर्जी अलग होती है आज मेरे फास्ट है पूरे दिन का और आप देखो एनर्जी उतनी है पूरे दिन काम करना क्योंकि हम राजस्थान वाले हैं दूध को तो छोड़ते नहीं है कहने का मतलब है यदि आप सुबह शाम एक ग्लास दूध पीते हो ना भाई साहब आप में एकदम तगड़ी ताकत रहेगी और आप कैसा भी काम करोगे दूध में सिर्फ विटामिन सी और आयरन के अलावा बाकी सब कंटेंट्स होता है फूड कम्प्लीट फूड है मिल्क इस कम्प्लीट फूड तो राजस्थान वाले गबरू जवान तगड़े जवान दूध पीने में नंबर वन है सेकंड इधर देखो ए के बाद क्या आता है बी ए बी अरे सेकंड क्या तो ए बी सेकंड नंबर है ए बी सेकंड है बी नंबर पे बफेलो ये देखो ए बी बी बफेलो है और कुल पशु ये एक ध्यान रख लेना तीसरा थर्ड अश्व तीसरा अश्व है थर्ड अश्व है जिसका आगे दो लगाओ गधे बन जाएंगे चार लगाओ घोड़े बन जाएंगे फिर चौथे पे भैरू बाबा भेड़ भैरू बाबा है है ना भैरू बाबा का नाम लो चौका ही चौका लगेगा और आज संडे है ना आज भैरू बाबा का दिन है जिस जिसने भैरू बाबा की जय बोल दी और कमेंट में लिख दिया भाई साहब पता है ठीक है तो जय हो भैरू बाबा की भैरू बाबा का नाम लो और चौके चौके उड़ाओ भैरू बाबा आपको जीता के रहेंगे उसके बाद पंजे पंजे कुछ नहीं है पांच कुछ नहीं है और छक्का गाय का दूध पियो और सिक्स उड़ाओ गाय का दूध पियो और सिक्स उड़ाओ एक क्वेश्चन पक्का नहीं एक सौ एक परसेंट पक्का है खाली पशु परिचर नहीं हर परीक्षा में है देखो इधर यहां पे फर्स्ट नंबर गबरू जवान दूध पीता है गबरू जवान दूध पीता है गधा बकरी ऊंट और कुल दूध उसका सेकेंड सेकेंड कौन सा है? बी ए बी बी में बफेलो बी में बफेलो और बफेलो के साथ कुल पशु है थर्ड में तीसरे को अश्व असो घोड़े हैं। चौथे में भैरू बाबा का नाम लो चौका लगाओ पंजे पंजे कुछ नहीं भैया हम पंजे पंजे नहीं चलते छक्का गाय का दूध पियो और छक्का लगाओ मुर्गियां खाने से बर्ड फ्लू हो सकता है कोई ज्यादा मांस खाता ना मुर्गिया खाई ना तो बर्ड फ्लू रोग हो जाएगा ध्यान रखना तो मुर्गियों में क्या है सतरा है सतरे पे खतरा मुर्गियों का स्थान सत्रह सत्रह पे खतरा अब बताओ ईमानदारी से याद हुआ कि नहीं हुआ मैंने सिर्फ कोशिश की है याद करवाने की देखो मैं आपको एक बात बताऊं एक शिक्षक के मन की बात बता दूं ठीक है सुनो दो मिनट आपका टाइम लूंगा लेकिन ऐसे में कई टाइम आपको दे दूंगा यदि एक शिक्षक चाहे और उसके मन में ये जच जाए कि मुझे मेरे विद्यार्थी को पूरा सिखाना है उसके लिए एकदम डट के काम करना है तो मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे शिक्षक गुरुजी याद नहीं करवा सकते बट गुरुजी मन में ठान के आए कि मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है मुझे मेरे बच्चों के लिए हर वो चीज जो भारी होगी क्योंकि मैं आपको बताऊं जब मैं क्लास में था और रात को है ना बारह बार एक एक बजे तक पढ़ते थे सुबह पांच बजे उठते थे फिर पढ़ते थे भूलते थे पढ़ते थे भूलते थे पढ़ते थे इतना माइंड में कॉम्प्लेक्स हो जाता था तो उन सब बोझ को दिल में लेकर मैंने पढ़ाना चालू किया वैसे मेरा पैसा चिकित्सक है मैं वेटनरी डॉक्टर हूं लेकिन मैं उस पैसे के साथ इस शौक को भी जीता हूं और इस शौक में एक ही शौक है मेरे बच्चों को याद हो जाए मेरा बच्चा कंफर्ट हो है ना मेरे बच्चे को वापस दुख नहीं देखना पड़े तो इसलिए ट्रिके बनाता हूं और जिसको ट्रिक से याद नहीं होता है उसको वैसे भी याद नहीं होना तो कम से कम याद तो हो जाएगा ना ठीक है थोड़ा पल्ले तो पड़ जाएगा ना ये है ये दिल के अरमान थे जुबान से निकल गए यदि कुछ ज्यादा है तो माफी चाहता हूं और अच्छा लगे तो अडप्ट करके इसको लाइफ में उतार देना याद हो गया स्क्रीन ले लो ओके okay भाई याद हो गया ना हाँ तो फर्स्ट क्या बताओ फर्स्ट क्या है गबरू जवान दूध पीने वाला गधा बकरी ऊंट सेकेंड पे क्या है ए बी बी बफेलो बी से बफेलो कुल पशु है ना थर्ड पे क्या है अश्व तीन अक्सर घोड़ा चौथे पे क्या है भैरू बाबा का नाम लो और चौका लगाओ ठीक है हाँ उसके बाद पंजे पंजे कुछ नहीं और छक्के में क्या है गाय का दूध और सिक्स लगाओ ओके है भाई चलिए ये भी याद हो गया अब आओ इधर अब आपको यह टेबल याद करनी है ठीक है हर एक को प्लीज वन बाय वन करना ठीक है और जिसका मैं बता दूं यहां पे सुनना नेगेटिव कमेंट है और जिसके चित्र में नेगेटिविटी है माफ करना उसे कभी पॉजिटिव डील नहीं मिलेगा उसको पॉजिटिव मिल ही नहीं सकता कि वो नेगेटिव है नेगेटिव के नेगेटिव आएगा सृष्टि का नियम है ये तो है ना तो बी पॉजिटिव एंड बी सेलेक्टेड बी जॉब और बी गिफ्ट टू तो योर पेरेंट्स आइए चलते हैं सबसे पहले ऊंट ऊंट में क्या है दो तेरा दो तेरा एक मेरा तो दो तेरा है पहले तीन लाख पच्चीस हजार थे अभी इतने हैं चौतीस पॉइंट गुणसित्र कमी आई है राजस्थान में फर्स्ट है गबरू ऊंट वाला फिर गायों में छक्का है सिक्स नंबर है वो देखो अभी पश्चिम बंगाल में गाय ज्यादा दीदी मायावती है ना उनके सब गाय उधर सुरक्षित है तो दीदी गाय ले गई योगी जी बैसे ले गए ठीक है दूध राजस्थान वाले गहलोत ले गए ठीक है तो गाय में क्या है गाय में है यहां पे 133 लाख ये है 133 लाख पहले थी अभी कितनी एक सौ उन्तीस लाख तेरह पॉइंट नौ सर एक सौ उन्चालीस लाख है तो इसको मैं लाख में कन्वर्ट करना बता दूंगा तेरह नौ इधर देखो आपको मैंने गाय या कुल पशु कितने बताए छप्पन पॉइंट आठ इधर देखना आपको एग्जाम में मिलियन नहीं मिला आपको एग्जाम में मिलियन नहीं मिला है ना ये है आपका कुल पशु लेकिन आपको इसको लाख में कन्वर्ट करना है या मिलियन में उसमें करोड़ में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको लाख बनाना है ठीक है तो आपको पता है एक मिलियन दस लाख होता है तो डॉट को उधर ले जाना तो ये हो जाएगा पांच सौ अड़सठ लाख एक मिलियन में कितने होते हैं दस लाख होते हैं एक मिलियन बराबर दस लाख होता है सबको पता है और एक करोड़ में सौ लाख होते हैं इतना तो पता होगा ना भाई हाँ अरे सा ओ तो थे पूछे मत को एक करोड़ दे दे ने? मैं तो आ जा। है? हाँ, तो मैं रही हूं, एक करोड़ पढ़े तुम्हें इधर ले जाओ तो ये जाएगा पांच पॉइंट अड़सठ करोड़ यानी पांच करोड़ अड़सठ लाख बोलते हैं इसको पांच करोड़ अड़सठ लाख ये बोलते हैं अब आपको ये भी क्या है याद होगा नहीं तो ये याद हो गया ये याद है आपको डेटा मिलियन वाला याद है हाँ तो मिलियन का डेटा से आप उधर जाओ लास्ट में तो लाख हो जाएगा इधर देखो ये डॉट इधर था इस डॉट को लास्ट में कर दो अब यहां क्या फर्क पड़ता है ठीक है लास्ट में कर दो लाख मतलब उधर जाओ लाख और इधर जाओ करोड़ पहले ये था इस डॉट को इधर ले जाओ पांच पॉइंट अड़सठ करोड़ तो आपका मिलियन तो है मिडिल में ढंग से सुनना मेरे को याद हो जाएगा मिलियन का है मिडल में से मिलियन से मिडल मिलियन का है मिडल में मिडियल इससे कम पे जाओगे क से करोड़ क से कम तो करोड़ में उसको कम की तरफ ले जाओ क से करोड़ से कम और लाख में उसको लास्ट में ले जाओ आपने याद किया मिलियन में आपको पूछा करोड़ या लाख तो उस वक्त आप वहां पे चेंज थोड़ी करोगे एक मिनट आपका मिलियन है ना बिंदु को कम की तरफ ले जाओ करोड़ और ज्यादा की तरफ आ जाएगा लास्ट कमी ला तो ये क्या हुआ यदि आपको कोई पूछे राजस्थान में पशु क्या है तो कम हुए भाई तो इसमें बोला क मी ला कमी लेकर गाय बैंस कला कमी ला क कर से करोड़ है इधर करोड़ है मी से मिलियन है मिडल है ला से लास्ट है उधर है तो उधर ले गए लास्ट हो जाएगा इधर ले गए करोड़ हो जाएगा मीडियम में रखा तो मिलियन हो जाएगा याद हुआ भाई ये थोड़ी गणित होती है भारे बच्चे गणित तो नहीं होती है। सर मुझे तो मिलियन पता ही नहीं था तो बेटा आप किस में याद कर रहे हो मिलियन में आप किस में याद कर रहे हो मिलियन में है ना तो मिलियन को आप कम की तरफ ले जाओ तो करोड़ हो जाएगा लास्ट में ले जाओ लाख हो जाएगा ला से लास्ट ला से लाख क से कम क से करोड़ मा से मीडियम मा से मिलियन तो मिडियम है तो मिलियन है और करोड़ है ये लो गणित वाला भी एक क्लास देखे बोला अरे यार ये आदमी क्या याद करा था है। नहीं क्या हाँ तो देख लो इधर ये आपके सामने इसके फोटो खेस लो आप है ना कई बार पढ़ोगे तो भी ट्रिक बनेगी नहीं हाँ एक्चुअली हमने इस पर बहुत काम किया जी आपको जो ये याद हो रहा है दिख रहा ना ये आजकल का नहीं है ये पिछले लगभग है ना ढाई uh, तीन साल से इस पे काम चल रहा है क्योंकि ये नवीनतम पशुगणना थी ये तो आपके आगे थी 19-20 में है ना तो तब हमारे सुपरवाइजर की भर्ती आई थी ठीक है 21 में और उससे पहले भी एल से भर्ती आई थी तो उसमें हमने खूब याद कराया और मैं आपको एक बात बताऊँ हमने बच्चों के लिए जिया है भाई आज तक ऐसा नहीं किया है बच्चों के लिए हमने बहुत काम किया है चाहे बच्चा एम सी क्यूम हो ऑफलाइन हो यूट्यूब पर हो उसको पूरा याद कराया और पूरे मेंस पूरे दिलाए तो अब हमें याद नहीं होते बच्चों को कैसे याद कराएंगे ठीक है और एनर्जी एकदम नॉर्मल रखी है ऐसा नहीं है कोई भी दिखावा नहीं है ठीक so, हो हाँ। तो है तो यहां पर तो दो लाख तेरा था इसमें क्या था नौ तो मैंने लास्ट में एक, कर, एक करोड़ उन्चालीस भी कर सकते हैं इसको ठीक है और ये आपका एक सौ उन्चालीस लाख है तो उधर तो तेरे को नो गाय माता डॉट इधर लाख तेरे को नो भैंस एक सौ सैंतीस लाख मतलब इसमें आपके वर्दी जो है चौके चौके नहीं हुए हैं गाय में चौका छक्का है ये थोड़ा सा प्रिंट आउट ध्यान रख लेना गाय की वर्दी में चौका छक्का मैंने इसका निकाला हुआ आप डेटा निकालना है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालना है ठीक है और इधर भेरू बाबा सात में नो मिलियन था सेवन पॉइंट नौ क्या था मिलियन था उधर ले जाओ तो सेवनटी नाइन लैक हो जाएंगे ठीक है इधर ले जाओगे पॉइंट सेवन नाइन करोड़ हो जाएगा ये आपको डेटा मैंने निकालना बता दिया साथ में नो भैरू बाबा है भैरू बाबा का नाम लो चौका ठोको और पश्चिम बंगाल में अभी यह सब ज्यादा है भेड़े वैसे यह भी गलत है तेलंगाना हो गया इसका भी यह भी अपडेट हो गया है यह पहले था पश्चिम बंगाल ठीक है लेकिन अभी वर्तमान में लास्ट जो आया था उसमें तेलंगाना है तो तेलंगाना में भेड़े सबसे ज्यादा है ऐसा बताया जाता है घोड़े है ना ये देखो पॉइंट लाख यदि आप इसे डॉट बनाओगे ठीक है तो हजार में क्या होता है लाख में इधर ले जाओगे तो ये दो तो ये अड़तीस हजार है जिसको आप पॉइंट अड़तीस लाख बोल सकते हो ये चौतीस हजार है तो वर्तमान में चौतीस हजार है ठीक है ये इक्यासी हजार पहले थे अभी वर्तमान में कितने तेईस हजार तो आपसे सर वर्तमान पूछा जाएगा ना हा अस थर्ड में फर्स्ट में ये है ये लो साहब पशु परीक्षण एनिमल अटेंडेड भर्ती परीक्षा जो आईवी है उसका कल से

अब ये रहा आपके इसका ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिक डेटा कहां से एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विभाग की डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मैंने डेटा उठाया है ठीक है दो अपन 19 उन्नीस की बात करेंगे बारह के बाद ये देखो एक करोड़ उन्चाली लाख इसको, इसको मैंने क्या बोला तेरह पॉइंट नौ मिलियन ठीक है इधर ले जाओ एक करोड़ उनचालीस लाख सैतीस हजार सौ ये तो तेरह को गाय माता बफेलो तेरे साथ में सिक्स नाइन को ये देखो तो सिर्फ दिखाने के लिए है बाकी इसका क्या है ये आ जाओ है ना ये देखना यहां पे ये है सबसे बड़ा खेल तो ये टोटल कुल पशु कुल पशु जो है पहले कितना अभी कितना है पांच करोड़ अड़सठ लाख छप्पन पॉइंट आठ मिलियन पांच करोड़ अड़सठ लाख नौ हजार पैतालीस पहले था पांच करोड़ सितर लाख इसमें कमी सर ये कमी कैसे निकालते हैं सुनो ये जो डेटा है ना एक पॉइंट में बताता कमी कैसे निकालेंगे कमी कैसे निकालेंगे तो आप इसका एक काम करना कमी कितनी हुई नौ लाख इकतीस हजार दो सौ गुणसाठ ये कम हुए हैं ये कम हुए हैं ठीक है ये हुए है कम पहले कितने थे पांच करोड़ सितर लाख बत्तीस हजार दो सौ चार ये क्या थे पहले थे ऐसे करते है ना भाई पहले इतने थे अब कमी है इनटू सौ कर दो अभी आप करके देख लेना एक पॉइंट इकसठ प्रतिशत आएगी तो एक पॉइंट सासठ वालों तुम कहां से डेटा लाते हो यार भाई ये तो मैं तो देखो मेरा तो है नहीं है ना मैंने तो ये गिने नहीं कहां से विभाग की साइट से एक पॉइंट सात सठ कराते हैं भाई चलो मानना भी होगा मुझे नहीं पता लेकिन मैंने तो डिपार्टमेंट साइट से लिया है क्योंकि देखो एनसीआरटी से लेता हूं मैं डेटा उसमें है नहीं आरबीएससी से लेता हूं उसमें है नहीं विभाग की साइट है उसमें है ठीक है हाँ तो पांच करोड़ सैतीस लाख बत्तीस पहले थे क्या थे पहले थे इसमें कमी आई नौ दो की है ना ये कम हुए ठीक है तो कम हुए पहले वाले में से कम हुए पहले में तो इतने थे है ना एक में कितने सौ में कितने एक पॉइंट इकसठ ये इसका निकालने का डेटा रहता है ठीक है हाँ भाई ऐसा है सुनो ऐसा है संजय जी अलग अलग दिमाग होता है जी अलग अलग दिमाग होता है ठीक है बाकी 99 नाइन परसेंट लोगों का दिमाग ऐसा होता है जो भूल जाते हैं इसलिए ट्रिक्स होती है आपको ट्रिक्स अच्छी नहीं लगती है लीव करो ना यार यहाँ क्या कर हो आप आराम से घर बैठो ठीक है हाँ दस हजार कुछ फीस है ऑफलाइन की ठीक है दूसरों को भ्रमित क्यों करते हो भाई आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो ना ये सारा पढ़ा दिया मैंने अब एक बार वापस आ जाते हैं किस पे अपने उस पे मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप मुझे कमेंट बॉक्स बताना ठीक है सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं सबसे पहले फर्स्ट पशु गणना कब हुई थी आप अभी फटाफट इसका लिखना डेटा मैं दुखता हूं उत्तर देखता हूं कौन कौन फर्स्ट पशुगणना कब हुई थी और स्वतंत्र भारत की फर्स्ट कब हुई थी ठीक है चलो आप यहां पे डेटा बढ़ना स्वतंत्र भारत की फर्स्ट कब हुई थी और पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी विभाग की स्थापना पूछ सकता है ना हम्म आपसे ये सवाल ही सवाल पूछ रहा हूं मैं नवीनतम पशुगणना कौन सी है नंबर पांच पूछे है ना नवीनतम पशुगणना कौन सी है कुल पशु कितने हैं कमेंट बॉक्स में भर दो फटाफट इसके उत्तर आपकी पुष्टि करेंगे आपको कितना याद हुआ है यदि इसके उत्तर सही आते हैं तो आप बताओ क्यों याद नहीं हुआ ग्यारह सवाल पूछूंगा मैं आज माता रानी कृपा से ग्यारह सवाल जिसके सही हुए उसका सिलेक्शन लगभग श्योर है ठीक है हाँ तो ग्यारह सवाल आपको पूछूंगा और सभी को क्योंकि रिटर्न में टाइम नहीं मेरे पास भाई आज सबके काम होता है यार आज क्लास लेना देखो यार आप दूसरी बातें सोचो संडे और ठीक है माता रानी का आज वो गरबा और वो और ठीक है है ना फास्ट और वर्थ और मेरे वर्थ है ठीक है उसके बाद कुछ फैमिली खुशियाँ भी होती है है ना कुछ आज मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड भी आया है है ना तो वो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता लेकिन वो भी है तो उस खुशी के बीच में है ना मैं आपके बीच आया हूँ तो यार थोड़ा तो एक मानवता के नाते दिल से है ना रेस्पेक्ट बनता है नहीं अब हो सकता है आप कोई कोचिंग की वजह से इंटेंशन ऐसे नहीं है ना हर एक चीज की रेस्पेक्ट करो खासकर उसकी जो निस्वार्थ सेवा करता है तो प्लीज बी पॉजिटिव और फटाफट बताओ आंसर क्या है चलो फर्स्ट पशुगणना कब हुई थी भाई फर्स्ट पशुगणना कब हुई थी तो बताओ फटाफट अभी क्या चल रहा है उन्नीसवी सौ साल पहले वो कहता सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था नहीं गया हाँ तो ऐसे बोलेंगे सौ साल पहले 1919 1920 19, में पहली बार हुई थी अभी 1920 बीस अभी बीसवीं नवीनतम इधर देखो नवीनतम कौन सी है 2020 नवीनतम कौन सी है 2020 नवीनतम कौन सी है ट्वेंटी ट्वेंटी बीस बीस से पहले 19 अभी 2019 20, 20 चलो सौ साल पीछे चलते हैं है ना 100 साल पीछे चलते हैं 100 साल पीछे क्या है 1919 1920 स्वतंत्र भारत अब उन्नीस सौ उन्नीस सौ बीस में तो अंग्रेज थे तो अपन पशु गिने बेटे अपने गोली ठोक दे ठीक है बोला गाय गिन रहा है इधर हमारे एरिया में तो गाय गिन गिन रहा है, गिन रहा है 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 हमारे इधर एरिया में तो तो भैंस डचक ठीक फिर वहां पे क्या किया जब अंग्रेज गए तो अपने सुकून से गिना हाँ अब गिनते हैं ठीक है थीके? हाँ तो यहां पर सैतालीस में हुआ था देश आजाद और एक ही में अपने गाय माता को गिना है ना ठीक है आओ इधर पशुपालन विभाग 1857 में क्रांति हुई कहां पे आजादी के लिए उन्नीस में किसके लिए पशुपालन के लिए तो उन्नीस भाई साहब एक इंच नहीं ले दूंगा कुल पशु कितने हैं कुल पशु कितने हैं ठीक है कुल पशु कितने हैं बताओ कुल पशु कितने हैं बोला अब तक कितने इंच का सीना बना लियो छप्पन पॉइंट आठ मिलियन में है लाख करना है तो बोलो पांच सौ अड़सठ लाख करोड़ करना तो पांच पॉइंट करोड़ कमी इधर ले जाओ तो करोड़ होगा उधर हो जाओ तो लास्ट हो अब मुझे बताओ ये पांचों सवाल किस किस के सही हुए से बता देना पांच के पांच कट, हाँ और जो बाद में वीडियो देखेगा रिकॉर्डेड वो भी लिखेगा अक्सर मेरे ये पांचों चकाचक सही थे मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप कमेंट भी लिखेंगे सर शुरुआती पांचों सवाल मेरे सही थे वीडियो देखने के बाद हाँ, रेडी है ना अरे करोड़ लाख आगे ना कन्वर्ट करना करोड़ लाख कन्वर्ट करना आगे ना भैया ठीक है कैसे करेंगे बताओ इसको करना है पीछे लास्ट में ले जाओगे तो लाख और इधर करोगे तो पांच पॉइंट अड़सठ ये क्या हो जाएगा करोड़ और मिडल में रखोगे तो मिलियन है सबके सही है क्या बात है चलो अब आ जाओ तुम छठे क्वेश्चन पे छठे पे गाय बताओ फटाफट कितनी गाय माता है ठीक है कितनी भैंसिया है कितना भेड़ है कितनी बकरी है और कौन बचा है ठीक है कितना ऊंट है और कितना गधा घोड़ा है दोनों साथ ही पूछ लो गधा और घोड़ा हाँ क्योंकि इक्कीस से आगे और तो क्या पूछूंगा आपसे स्थान पूछ लूंगा चलो पंद्रह सवाल कर देते हैं ठीक है स्थान भी पूछ लेंगे बताओ फटाफट हाँ ठीक है हम फटाफट बताओ ये उत्तर तीस सेकेंड दिए तीस सेकेंड लो करो फटाफट सभी को करना है है भाई सभी को कमेंट में नहीं लिखो कॉपी में लिख दो कई जने के सर मैं इतना जल्दी कमेंट नहीं लिख सकता कॉपी में लिख दो फटाफट हाँ और ये भी बताओ याद कैसे हुआ मतलब क्या कोई लिंक है क्या रट का ये हो क्या घोट का ये हो कैसे याद के ये भी बताना है चलो बहुत बढ़िया भाई ठीक है चलो मुझे तो ऐसे याद होता है गाय भैंस तेरे साथ में भैंसे ले जा। काली कलूटी भैंसे तेरे साथ में भैसे ले जा मिलियन में है तेरे को नो गाय तेरे को नो गाय, माता माता है ना देखो तो मिलियन हाँ भेड़ साथ में नो भैरू बाबा साथ में नो भैरू बाबा बासे से बकरी बासे से बीस बीस पॉइंट चौरासी ऊंट दो तेरा ऊंट दो तेरा दो कुबड़ वाला ऊंट किसका तेरा है ना ये किस में है मिलियन में है ये भी मिलियन में है ना ये लाख में है ये ध्यान रखना गधा कितना है गधा पीछे चलता है तो तीन के पीछे तेईस हजार और घोड़ा आगे चलता है चौतीस हजार ठीक है ये मिलियन है इसको लाख में करोड़ में कन्वर्ट आना चाहिए लास्ट में ले जाओ तो एक सौ उन्चालीस लाख और करोड़ करोड़ में ले जाओ तो एक पॉइंट उन्चालीस करोड़ ठीक है ना हाँ तो आपको ध्यान रखना है ये अब ये डेटा किस किस का आया बोलो फटाफट किस किस के ये क्वेश्चन भी एकदम सही है तुरंत बताओ फटाफट क्विक स्क्रीन लोगे ले लो वैसे ये सब बताया मैंने हम्मिक से हा रेडी है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है अब आ जाओ इसके बाद एक और क्वेश्चन सीरीज चलाऊं हाँ हां बारह नंबर पे आ जाओ कौन सा बच गया अब घोड़ा घोड़ा कितना है ठीक है और स्थान तो राजस्थान का स्थान राजस्थान का भारत में ठीक है गायों में स्थान है गायों में स्थान बताओ ठीक है गायों बताओ चौदह नंबर गदम बताओ गदो में ठीक है, घोड़ों में मिक्स बनाता ठीक है क्वेश्चन बनाता आप… बकरियों में, चलो ये सब क्या है ये सब राजस्थान का स्थान है भारत में कि गायों का कौन सा स्थान है गधों में कितना स्थान है घोड़ों में कितना स्थान ये और घोड़ों की संख्या बतानी घोड़ों की तो संख्या बतानी है घोड़ों की तो क्या बतानी है संख्या बतानी है और इनका आपको स्थान बताना है चलो फटाफट करो खटा खट आंसर आना चाहिए एकदम घोड़ा की संख्या बताओ घोड़ा क्या कहलाता अश्व अश्व मतलब तीन है ना घोड़ा गधा दोनों अश्व है अश्व गधा पीछे दो तीन घोड़ा आगे है ना चौतीस चौतीस हजार इसमें क्या है घोड़ा है चौतीस हजार क्या है घोड़ा है ठीक है राजस्थान का भारत में गायों में स्थान कौन सा है गायों में गाय का दूध पियो गाय का दूध पियो छक्का टेको है ना गायों का दूध पियो और छक्का छक्का स्थान पर है गायों में फर्स्ट में कौन है पश्चिमी बंगाल दीदी के वहां गाय ज्यादा है गधे गधे बकरी और ऊंट गबरू जवान राजस्थान फर्स्ट है भाई तो इसमें गधों में फर्स्ट स्थान है गधों में क्या है फर्स्ट स्थान है घोड़े घोड़े क्या है अश्व अश्व मतलब तीन तो इसमें कौन सा स्थान है थर्ड पे है कौन सा है थर्ड पे हैं ठीक है बकरी गधे बकरी और ऊंट गबरू जवान बकरी में भी अपन कहा हैं फर्स्ट स्थान पर हैं किस किस के एकदम चकाचक सही किए, फटाफट फटाओ सोलह सवाल करा दिए हैं एमसीक्यू का टाइम ले लिखने का सोलह सवाल है एकदम बताओ रेडी रेट है नहीं है रेडी है ना हाँ आ जाओ इधर अब दू मैं आपको सत्रह हाँ सत्रह अठारह उन्नीस सत्रह अठारह उन्नीस एक ही तो मैं कर ही दूंगा या, या तो ग्यारह या इक्कीस ठीक है अब बताओ यहां पे मुर्गियों में कौन सा स्थान है मुर्गियों में कौन सा स्थान है ठीक है भैंस कौन से स्थान पर है ठीक है ऊंट में कौन सा स्थान है ठीक है और भेड़ में कौन सा स्थान है ठीक है और कुल पशु में राजस्थान कौन सा स्थान है ये सारे राजस्थान के स्थान के हैं सारे क्वेश्चन जो है ये ये क्या है राजस्थान का भारत में स्थान पूछा है ठीक है हाँ बताओ फटाफट तीस सेकेंड आपको दे रहा हूं फिर मैं सारा रिवाइज करा के आज जाऊंगा अभी आज ही ये सारा रिवाइज करा के आपको जाऊंगा निश्चित रहे हम्म हालांकि मैं क्वेश्चन और बहुत था लेकिन आज समय अभाव नया दिन है तो कोई नहीं और करेंगे इसको ठीक है हाँ कल से उत्कर्ष के एग्रीकल्चर चैनल पे क्लासेज होगी ठीक है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर आएगी क्लासेज ठीक है तो कल से यहाँ पे थोड़ा क्या लौट रहता है तो उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल उत्कर्ष का अपना अलग चैनल है जहाँ पे पशु परिचय क्लास हो क्योंकि यहाँ पे और भी कई बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो परेशान होते हैं कि है ना तो उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल है उस पर कल से क्लासेस रहेंगे आपको और वही सवा सात का अपना टाइम सवा छः का सिक्स फिफ्टीन सवा छः बजे सब्सक्राइब कर लो ताकि फटाफट आ जाए और उधर आओ कल से ठीक है मुर्गिया सत्रा पे खतरा मुर्गिया खाई तो भैया बर्ड फ्लो जाएगा सत्रा पे खतरा ठीक है भैंस बफेलो बफेलो नंबर ऊंट में फर्स्ट नंबर ऊंट तो भरे पड़े अपने यहां ऊंट है उतने तो पूरे इंडिया में क्या देश में नहीं है भैरू बाबा का नाम लो चौका ठोको कुल पशु में अपन सेकेंड नंबर है फर्स्ट यूपी है फर्स्ट यूपी है ठीक है अब बताओ किस किस का एकदम चकाचक सही गया साहब इंच नहीं हिलने दिया है सार रड़ी है सर रेडी बुक बुक में टाइम लगेगा बेटा देखो बुक ऐसे नहीं आती है बुक में बहुत सा काम करना पड़ता है और आपको पता उत्कर्ष की बुक आएगी तो उत्कृष्ट ही आएगी तो उसमें मैं ट्रिक्स टेक्निक है ना फ्लो चार्ट टेबल पर्टिकुलर क्वेश्चन यूनिट वाइज दे रहा हूं यूनिट वन यूनिट अभी एक यूनिट हुई है जो मैं कल आपको दिखाऊंगा सवा छह बजे कल सवा छह बजे एग्रीकल्चर पर वो फर्स्ट यूनिट उसके क्वेश्चन कराऊंगा पहले यूनिट पूरी करा दूंगा उसके क्वेश्चन कराऊंगा फिर सेकेंड यूनिट उसके क्वेश्चन ऐसे तो बुक को अभी टाइम लग जाएगा मान के चलो दिवाली गिफ्ट आपके आ जाएगी दीपावली तक दे दूंगा क्योंकि अभी देखो मैं करेक्शन निकालूंगा उसमें कुछ कुछ नई चीजें जुड़ूंगा ठीक है रेडी है भाई चलिए ये लो तो अब बताओ क्या आपको सारा का सारा याद हो गया क्या है ना 21 क्वेश्चन हो गया क्या एक जोशीले अंदाज में पूरा रिवीजन कर दें आज का ठीक है तो सुनो मेरे को ढंग से सिर्फ सुन लेगा याद हो जाएगा अच्छे से वापस और साथ 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 बोलेगा मजा आ जाएगा आप बोलो मैं बोलो साथ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी वर्तमान में क्या चल रही है बीसी पशु गणना उससे पहले कौन है उन्नीस सौ साल पीछे चलो उन्नीस सौ उन्नीस उन्नीस सौ बीस में पहली पशु गणना हुई थी उन्नीस सौ इक्वन में स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना थी जो सातवीं पशु गणना थी उसके बाद में उन्नीस और 20, बीस, बीस पशु गणना चल रही है 20 से पहले 19 आता है 19 में आंकड़े आए थे 19 में आंकड़े आए थे 18 के अंदर स्टार्ट हुई थी 17 में प्रस्तावित थी पांच साल पहले दो हजार बारह में उन्नीस पशु बीस रही है चौबीस पच्चीस में प्रस्तावित है उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट बात करें कि अब तक कितने इंच का सीना बना लिया छप्पन इंच का सीना बना लिया है अब तक छप्पन मिलियन है कुल पशु है 568 लाख कर देंगे और 5 करोड़ अड़सठ लाख बोल देंगे इधर करोगे करोड़ इधर करोगे लास्ट उसमें से गाय कितनी है तेरे को नो गायर पॉइंट नौ मिलियन गाय है तेरे साथ में भैंसे ले जा 13.7 उसमें भैंसे है साथ में नो भैरू बाबा सेवन पॉइंट नौ पेड़ है बसे बकरी बसे बीस बीस पॉइंट चौरासी उसके अंदर बकरी है दो कुबड़ वाला तेरा दो तेरा दो तेरा दो तेरा, दो तेरा क्या ऊंट है घोड़े गधे अश्व तीन है तीन के आगे दो लगा दो तीन के पीछे चार लगा दो तो आगे कौन है घोड़ा है चौतीस हजार पीछे कौन है तेईस हजार और स्थान की बात करें फर्स्ट नंबर पे कौन है राजस्थान के गबरू जवान दूध पीने वाले सेकंड बफेलो है थर्ड में अश्व है चौथे में भैरू बाबा का नाम लो चौका ठोको पंजे पंजे कुछ नहीं और छठे पे कौन है गाय का दूध पियो छक्का लगाओ और सत्रा पे खतरा मुर्गी का ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, हैं मिलते है कल उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पे सवा छह बजे तब तक के लिए मस्त रहो व्यस्त रहो जबरदस्त रहो पढ़ते रहो अपने को बुलंद करते रहो सपनों को साकार करो ओके थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट सब आकर गुड नाइट अरे तो देखने का